गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले गर्ल्स के लिए 2020 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। ये लास्ट पार्ट है आपका 2020 का। क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व हो जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपके फॉर्म भी आ चुके हैं, और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ पढ़ते हैं, आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है आर्ट और साइंस दोनों, साइंस कला या फिर सेवा? तो प्रसार शिक्षा जो है हमारा आर्ट और साइंस दोनों है। किसके आगे और पीछे की बनावट अलग होती है, जर्सी नेट, ब्लर्ड नेट, डबल नेट या फिर रेब नेट? तो जो हमारा जर्सी नेट है उसकी आगे और पीछे दोनों की डिज़ाइन जो है अलग अलग आती है। पशु वध से प्राप्त ऊन को क्या कहा जाता है? पशुओं से जो प्राप्त ऊन होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम पुल्ड ऊन कहते हैं, पशुओं से प्राप्त ऊन को पुल्ड ऊन कहते हैं। जब कम समय में विभिन्न प्रकार के श्रोतागणों को कोई संदेश दिया जाता है तो वह कहलाता है, तीनों में से कोई नहीं, व्यक्तिगत विधि, समूह विधि या फिर मास मेथड। तो कम समय में किसी श्रोतागण को जो संदेश देते हैं उसको मास मेथड कहते हैं। बुनाई जिसकी सतह पर लंबे धागे हो तथा वह उसे चमक देता हो कहलाती है, बास्केट बुनाई, सेटिंग बुनाई, ट्यूब बुनाई या प्लेन या सादी बुनाई? तो जो बुनाई जिसकी सतह पर लंबे धागे और तथा वह उसे चमक देता है उसे हम सेटिंग बुनाई कहते हैं। शारीरिक और बौद्धात्मक कौशल को कहा जाता है, असंज्ञानात्मक, संभाव्यता, रचनात्मक, बुद्धिवादी? तो शारीरिक और बौद्धात्मिक कौशल को हम रचनात्मकता कहते हैं। इक्केबाना पुष्प सज्जा कहाँ की कला है? तो इक्केबाना जो पुष्प सज्जा है वो जापान की कला है, और पुष्प सज्जा सबसे पहले जापानी लोग ही लाए हैं। निर्णय लेना किस प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है, मानसिक प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, कार्य नियोजन और समुदाय विकास कार्यक्रम? तो निर्णय लेना किस प्रक्रिया की छोटी इकाई है, कार्य नियोजन की एक इकाई है निर्णय लेना। बांधने और रंगने की विधि है, बांधने और रंगने की विधि को हम लोग ट्रेटिक, गाट, बांधन, मार्लिंग या फिर तीनों, मतलब ये बांधने और रंगने की विधि। तो हमारा तीसरा आंसर सही है। लेम्यून मतलब फलीदार पौधा में कौन क्या कम मात्रा में पाया जाता है, अमीनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन, सल्फर या फिर तीनों? तो ये तीनों चीज़ें कम मात्रा में पाई जाती हैं, ये तीनों चीज़ें। कठपुतली का सो कौन सा साधन है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन या फिर प्रक्षेपित श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन? तो जो कठपुतली का सो है वो श्रव्य और दृश्य साधन दोनों। गृह व्यवस्था एक साधन मात्र ही नहीं बल्कि एक है, जीवन निर्माण प्रक्रिया, साक्ष्य, जन्मजात गुण, संसाधन? तो यह एक साध्य है। मिट्टी और बालू मृदा किस प्रकार के घर बनाने के लिए प्रयोग में आते हैं, मिट्टी और बालू मृदा जो है छोटे घर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है किसने आरंभ किया था, कोन ऑफ एक्सपीरियंस एल्गरडेल या फिर एल्गरडेल ने आरंभ किया था। व्यवहारिकता में प्रत्येक तरह की मनोवैज्ञानिक क्रियाएँ खेलों में निहित होती हैं, किसने कहा था? तो ये फ्रेड प्याजे, इरिक या फिर हार्डलॉक? तो इससे प्याजे ने कहा था कि व्यवहारिकता में प्रत्येक तरह की मनोवैज्ञानिक क्रियाएं खेलों में निहित की जाती हैं। अनौपचारिक शिक्षा एक आकस्मिक प्रकार की शिक्षा है जिससे व्यक्ति कहाँ अचानक से कुछ भी सीख लेता है, ये होगा घर पे भी अचानक सीख लेता है, कार्य में भी अचानक सीखता है, यात्रा में? तो ये तीनों सही होगा, थर्ड आंसर मान सही होगा, क्योंकि ये तीनों जगह में भी व्यक्ति अचानक से कुछ भी सीख सकता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, पियाजे, हार्लॉक, एरिक्सन या फिर हैरी ग्वेस्टन? तो मनोसामाजिक जो है एरिक्सन द्वारा दिया गया था। कपड़े की सतह पर बनने वाले छोटे रेशों की गांठों
को बनाते हैं, यहाँ पे गलत है। छोटे रेशों की गांठों, रेशों की गांठों बनता है, उससे बनता है। तो रेंजिंग, फ्रिलिंग, बालिंग या फिर पीलिंग, तो पीलिंग सही है। गर्भावस्था की अपेक्षा स्तनपान कराने वाली माँ की आवश्यकता होती है, माँ की पोषण की आवश्यकता होती है, बराबर कम तटस्थ, माँ को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, बच्चे को दूध पिलाती है। प्रथम पैटर्न से काटे गए मलमल के परिधान को कहते हैं टेस्ट फिट। प्रथम पैटर्न से काटे गए टेस्ट फिट कहते हैं। कम अवधि के फैशन को क्या कहेंगे? कम अवधि के फैशन को हम लोग फैड्स कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी 2017 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। फैशन चक्र के कौन कौन से चरण में एक स्टाइल बहुसंख्यक उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत किया जाता है, पहना जाता है? चरम सीमा, पतन, शुरुआत में अधिक होने पर, जब वो चरम सीमा पर रहता है तब। व्यक्तिगत जीवन किस समय शुरू होता है? भ्रूणावस्था, निषेचन, युग्मज अवस्था धारण करना, तो निषेचन के टाइम व्यक्तिगत व्यक्ति का जीवन शुरू होता है। भारी कार्य है रसोई के फर्श को पोछा लगाना, तीनों में से कोई नहीं। कपड़े सुखाना, हाथ से सिलाई करना, तीनों में से कोई नहीं, कोई भी भारी काम नहीं है। प्रसार शिक्षा है जिसका उद्देश्य लोगों को अभिव्यक्ति और आदतों को बदलना है, और यह विचार किसका है? ओपी थामा, एन सिमिगर, कैल्से हार्नी या फिर जे एल रे? तो ये जो कथन है वो हमारा एन सिमिगर का है। मानव ऊर्जा मापने की इकाई है मिलीग्राम, ग्राम, तीनों में से कोई नहीं, किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी से हम लोग मानव की ऊर्जा का नापते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। मूलभूत खाद्य समूह कितने प्रकार के होते हैं? मूलभूत खाद्य समूह जो है 5 प्रकार के होते हैं। प्रसार का टी और वी प्रणाली सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? प्रसार का टी और वी प्रणाली सबसे पहले इजराइल में शुरू हुआ था। परिधान के विभिन्न भागों का आपस में संपूर्ण आकृति के साथ संबंध कहलाता है लय संतुलन तथा अनुपात, तो अनुपात कहलाएगा। सामाजिक परिवर्तन की गति कहाँ धीमी होती है? छोटे शहर में, पश्चिम समाज में, बड़े शहर में, ग्रामीण में? तो जो सामाजिक परिवर्तन की है वो गति ग्रामीण परिवार में कम हो धीमी पड़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक आय नहीं है? मौद्रिक आय जो होता है वो वास्तविक आय नहीं है। नेतृत्व को चिन्हित करने की कितनी विधियाँ हैं? नेतृत्व को चिन्हित करने की कितनी विधियाँ हैं? तो चिन्हित करने की 5 विधियाँ होती हैं। रंगों का कौन सा जोड़ा जो कैंप्लीमेंट्री कलर का उदाहरण होता है? कैंप्लीमेंट्री मतलब प्रशास्तात्मक कलर जो होते हैं उदाहरण होता है। नीला, बैगनी, पीला, बैगनी, लाल, नारंगी और फिर नीला, हरा। तो पीला और बैगनी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब प्रशास्तात्मक कलर होते हैं। कौन सा देश 20 वर्ष से भी कम में निरक्षरता की समस्या खत्म करने में सफल रहा? अमेरिका, रूस, भारत या पाकिस्तान? तो हमारा रूस जो है वो 20 वर्ष से कम में निरक्षरता को खत्म करने में सफल रहा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन पेपर 2020 का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। 2017, 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चन पेपर्स हो गए हैं। आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी आ गए हैं, तो आप फॉर्म को भर लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। और ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में लोगों को आसानी हो। थैंक